ओके डॉक्टर आप देखेंगे एक दो डॉक्टर हाँ बिल्कुल देखिए आज निशात में निशात पीएससी में जहां इस वक्त हम मौजूद हैं यहां ब्लॉक हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया है। इस मेले का मकसद है इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और ख़ासकर इस ब्लॉक हेल्थ मेले का मकसद है हेल्थ के बारे में अवेयरनेस। और आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लोग ये भूल जाते हैं कि अपने हेल्थ को अपने स्वास्थ्य को ठीक कैसे रखा जाए और उसको ठीक रखना कितना ज़रूरी है। कई मर्तबा और ख़ासकर आज के दौर में देखा गया है कि जब सही टाइम पर मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है उस वक़्त लोग अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और फिर एक एज के बाद फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें हॉस्पिटल के अंदर अगर आप देखें सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत के जो कार्ड्स हैं उनके बारे में इनरोलमेंट की जा रही है और साथ ही साथ में जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें यूनानी है आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। फिजियोथेरेपी थेरापेटिक जो इंटरवेंशन हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो कंसल्टेशन और पब्लिक को और जो पेशेंट्स हैं उनको कंसल्टेशन दी जा रही है और साथ ही साथ में यहाँ पर तमाम जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो ब्लॉक हेल्थ मेला आज ये शुरुआत है लेकिन इसके बाद बाकी जो हमारे मेडिकल ब्लॉक्स हैं जो जोन्स हैं उनके अंदर भी ब्लॉक हेल्थ मेले के लिए शेड्यूल रिलीज़ किया गया है। मकसद यही है कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनको पब्लिक के पास ले जाया जाए उनके दहलीज तक ले जाया जाए। सर मेरा आपसे सवाल है कि सर अगर आप श्रीनगर की बात करते हो लगातार नॉन लोकल बेगर्स की तादाद बढ़ गई है श्रीनगर में और लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं और लोगों का कहना कि एक माफिया चल रहा है बिल्कुल सुबह से पहले इनको गाड़ियों में छोड़ा जाता है सिग्नल उस पर पब्लिक प्लेस पर लोगों को तंग कर। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है जो आपने बेगिंग माफिया वर्ड यूज़ किया है आपका कहना बिल्कुल सही है और इसमें हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं इस पर अगर आपने ध्यान दिया हो कार्रवाई हुई भी है और मजीद कार्रवाई की जा रही है। सब हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अगर हम प्राइमरी हेल्थ लेवल पे जाएंगे तो कहीं प्राइमरी हेल्थ लेवल में हमें स्टाफ नहीं है कहीं पे जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ स्टाफ नहीं है जहाँ स्टाफ है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैक्सिमम प्राइमरी लेवल पे अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में देखेंगे तो यही प्रॉब्लम है कहीं पर डेंटल सर्जन है कहीं पर वो डेंटल सर्जन भी अवेलेबल नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? देखिए आपने जो स्टाफ डेफिशिएंसी की बात की है कुछ जगहों पर मैं उसके बारे में ये पहली बात तो मैं ये बता दूं कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर J&K का बेस्ट अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और कुछ पैरामीटर्स में कंट्री का भी बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज भी हैं हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस हैं और वहीं उसको फर्दर सप्लीमेंट करने के लिए या एक फिल्टर करने के लिए हेल्थ सर्विसेज को हमारे PHCs भी फुली फंक्शनल हैं। अगर आप श्रीनगर ज़िले के PHCs को भी देखेंगे तो उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फार फार एडवांस्ड है और फार फार बेटर है। मैं ये कहूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट श्रीनगर का जो कोविड में काम किया जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो मिसाली काम है जिसको पूरे मुल्क में उसकी सराहना की गई है। तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट काफ़ी रोबस्ट है कहीं कहीं कुछ इश्यूज़ होते हैं उनको वक्तन फक्तन उनको सेटल किया जाता है। सर CCTV का क्यों डेडलाइन दी थी आपने वो कल ख़त्म होने वाली है सर तो लेकिन कल इस बीच KTMF की तरफ स्टेटमेंट आया है कि गवर्नमेंट खुद ही इंपॉर्टेंट जगह पे CCTV कैमरा लगे क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हमारा मार्केट अभी बैठा हुआ है तो इस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे?
इस पे मुझे वही कहना है जो ऑर्डर में लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं कहना है। थैंक यू।